राजेश्वरी मंदिर के सामने मिला फूल बेचने वाले का शव, नशे के ओवरडोज से मौत की आशंका। शिवपुरी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले राजेश्वरी मंदिर के सामने शुक्रवार की सुबह मंदिर के बाहर फूल बेचने वाले एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला। मंदिर प्रबंधन ने इसके सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार अंगद जाटव निवासी रामखेड़ी थाना सिरसौद ने बताया कि उसका भतीजा राजेश जाटव उम्र 30 वर्ष राजेश्वरी मंदिर के सामने फूल बेचने का धंधा करता था। शुक्रवार की सुबह गांव के चौकीदार ने उसे सूचना दी कि तुम्हारा भाई राजेश मंदिर के सामने मृत अवस्था में मिला है, जिसके बाद वह शिवपुरी अस्पताल पहुंचे। अंगद जाटव ने बताया कि गांव के दबंगों ने उसके भतीजे राजेश जाटव की जमीन हड़प ली थी, जिस कारण से राजेश डिप्रेशन में चला गया और नशा करने लगा था। डिप्रेशन और नशे के कारण ही उसकी मौत हुई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आपका अंगद, कहाँ रहते हो आप? रामखेड़ी। जो खत्म हो गया उनका क्या नाम था? राजेश। क्या काम करते थे वो? फूलन की माला बनाते, वो बेचते। कैसे खत्म हो गए वो? अजीब पता नहीं कैसे मेरे को फोन पहुंचा, मैं आया तुरंत। क्या, किसका फोन पहुंचा आपको? जिनके राजेश्वरी मैया फूल बेच रहे हो, तो मैंने कोई ने फोन लगा चौकीदार को। अच्छा, क्या बताया? क्या बताया? कोटवार ने मुझसे कही कि भैया कही ऐसा होगा कि तुम्हारा राजेश खत्म। अच्छा, वहाँ मृत मिला? हाँ, मरा सीधा, मैंने देखा तो। और भी आते तो चाचा ने। तो अब क्या, यहाँ पीएम कराने लाए? हाँ, पीएम कराने। वैसे कैसे खत्म हो सकता है, आप कुछ बता सकते हो? मैं आपसे कुछ कह नहीं सकती इस बात को, कहाँ है कहाँ नहीं है। वैसे क्या क्या लगता है आपको, कैसे खत्म हुआ वो? बाकी टेंशन जेब लग गई, रावत ने जमीन ली बाकी। अच्छा, वो जमीन उसकी हड़प ली क्यों? हाँ, उस चक्कर में वहाँ टेंशन ज़्यादा हुई, तो वो पीन का लगा होगा कठी मन ना मुँह करना। अच्छा, इसलिए खत्म हो गया। हाँ।